उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बड़े हुए वजन से आप परेशान हैं, तो वर्कआउट के साथ साथ डाइट में थोड़ा सा बदलाव करके वजन कम किया जा सकता है। और फल और सब्जियां न केवल इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है बल्कि वजन कम करने में भी मदद करती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आम खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आम वजन को कंट्रोल में रखता है। इसमें बायो एक्टिव यौगिक और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो वजन को बढ़ने नहीं देते। खीरा शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के साथ ही वेट लॉस करने में सहायक होता है। इसमें नाम मात्र की कैलोरी होती है और फाइबर ढेर सारा होता है। इसे खाने से पेट काफ़ी लंबे समय तक भरा रहता है। शिमला मिर्च, इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स वजन को नियंत्रित रखते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के साथ साथ ये पाचन तंत्र को भी सही रखता है। ये विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होता है जो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। पपीता विटामिन, आयरन, मिनरल्स और फास्फोरस से भरपूर पपीते में ऐसे एंजाइम होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। इसमें कैलोरी और वसा बहुत कम होता है। लौकी, इसमें फाइबर और पानी बहुत अधिक होता है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। लौकी में फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए इसे डाइट में जरूर शामिल करें। तरबूज, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लाइकोपीन होता है जो वजन कम करने के साथ ही शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। तरबूज में अधिक फाइबर और कम कैलोरी होती है, इसलिए इसे खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती है। पालक, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, आयरन और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर पालक पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। चुकंदर, शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने वाले चुकंदर में कैलोरी काफ़ी कम होती है और फैट तो जरा भी नहीं होता। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। चुकंदर का जूस हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तो आप जान ही गए होंगे वेट लॉस के लिए कौन से फल और कौन से सब्जियां खाना चाहिए। और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।